assalamu alaikum uh, my name is ismat shah i am a professor of material science and engineering and physics and astronomy at the university of delaware so i'm going to be teaching this course in energy economics and you would wonder why would a person who has a background of physics and uh, material science be teaching economics course and it is a very legitimate question the only thing is that while i was a professor of physics and astronomy and material science and engineering i also directed a program एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेल अवेयर विच इज़ रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी सो एज़ यू कैन इमेजिन कि जितनी भी चीज़ें पॉलिसी के लिए ज़रूरी होती हैं उसके लिए इकनॉमिक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है तो उसके बाद छः साल तक के मैंने इकनॉमिक्स सीखी और उसका नतीजा ये है कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ और एनर्जी इकनॉमिक्स के ऊपर एक कोर्स रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो इसका पहले कुछ स्लाइड्स हैं जो कि इंट्रोडक्ट्री स्लाइड्स हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत आ, Um Lafaz Shad but don't worry about that. I'm just going to very quickly go over the main content of the material uh, so that you know what is coming up. Um, and then we will go into the real uh, material of the course a li little later. So let's start with the section one. Section one basically introduces the energy fundamentals., it's not energy, renewable, non-renewable Sari description of that. बल्कि इसके अलावा यह कि एनर्जी होती क्या चीज़ है राइट right? अब हम लोग को अंदाजा नहीं है एनर्जी तो नाम के लिए तो बोलते हैं लेकिन उसका फिजिकली कॉन्सेप्ट क्या है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट भी है लेकिन हम लोग जो है ना वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू फिजिकल कॉन्टेंट ऑफ एनर्जी तो वी विल टॉक अबाउट वॉट इज एनर्जी देन अगर आप एनर्जी में बात करेंगे तो आपको यकीन उसकी जो यूनिट हैं उसको समझना पड़ेगा तो आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल ऑल द यूनिट्स ऑफ एनर्जी पावर एंड एवरी थिंग फोर्स एंड वॉर एल्स दैट इज रिलेटेड टू दैट तो वो सबको समझा के फिर उसके अलावा देन वी विल ऑल्सो टॉक अ लिलबेर अबाउट द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जैसे ये कुजनेट कर्व है कुजनेट कर्व की मजे की बात यह है कि वो इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए हुआ था वो इक्वालिटी और डी डी पी पर पर्सन लेकिन उसको अब उसको इन्वामेंटल इशूज़ के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं हाँ ये मैं बताता चलूँ कि एनर्जी सिर्फ समझने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी का अफेक्ट क्या होता है ना सिर्फ सोसाइटी के ऊपर बल्कि सारे इन्वामेंट के ऊपर सो वी विल टॉक अलार अबाउट द इन्वायरमेंटल अफेक्ट ऑफ द एनर्जी सो वी विल टॉक अबाउट दैट आई ऑल्सो मैंशन हियर कनीजियन इकनॉमिक्स कनेजियन इकनॉमिक्स जो है वो बड़ा मज़े की वो है आइडिया कि आप जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएँ और जो अमीर लोग होते हैं उनको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं होती तो बेहतर यह है कि सब के सब अमीर हो जाए तो आपको यकीन आप सिर्फ उसकी जो बेसिक uh, अंडरस्टैंडिंग है उससे आपको पता चलेगा कि इसमें फ्लॉ कितने हैं तो वी विल टॉक मोर अबाउट दैट राइट विल टॉक बिट मोर इन टू दैट देन वी विल गेट इन टू दिनिग्रिटी ऑफ 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 एनर्जी काइंड फ्यूल्स राइट वी वी टॉक अबाउट फॉसल फ्यूल्स सबसे बड़ा आजकल मसला यह है कि फॉसल फ्यूल कितनी कसरत से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल की वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसका uh, क्या मसला है वो सब हम देखेंगे तो लेकिन फॉसल फ्यूल कहाँ से फॉसल फ्यूल के ऊपर से टपक के तो नहीं आए ना फॉसल फ्यूल ऐसे हैं जो ज़मीन में बने हैं तो वी विल लुक इन टू हाउ द फॉसल फ्यूल्स आर मेड हाँ, कोल और ऑयल जो है उसका बिल्कुल मुख्तलि औरिजन्स है ऑयल और गैस की एक औरिजन है कोल की बिल्कुल मुख्तलिफ औरजन है तो वी विल टॉक अबाउट के दोनों की ओरिजन तीनों की ओरिजन्स क्या हैं और फिर उसकी हिस्ट्री के कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर है इस वक्त और कितना कोल बचा है कितना ऑयल बचा है वो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इकनॉमिक्स के अंदर समझने के लिए तो वी विल टॉक अ लिटिल बेट अबाउट दैट और उसके अलावा फिर आ, आ, इन चीज़ों की जो प्राइस होती है ना मतलब ऑयल प्राइस है आपको पता है पाकिस्तान में रह के तो आपका अंदाज़ा यकीन होगा कि कितनी जल्दी बढ़ती रहती है और नीचे आती है और इसकी सारी वजूहत वो हैं जो एक्सटर्नालिटीज़ हैं पॉलिटिकल एक्सटर्नालिटीज़ वेदर एक्सटर्नालिटी राइट कभी कभी ऐसा होता है कि तूफ़ान आ जाता है तो रिफाइनरी बंद हो गई तो गैस की प्राइस ज़्यादा हो गई यहाँ पर अगर नहीं होता तो बाहर ज़रूर होता है ऐसा और पॉलिटिकल एक्सटर्नैलिटीज़ के कुछ वजूहत के बाहर से इंपोर्ट कम हो गई तो फिर प्राइस ज़्यादा हो गई तो वो वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज एक्सटर्नालिटीज़ कि पे वो ऑयल की प्राइसेस कम अज़ कम बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है कोल इतना सेंसिटिव नहीं है फिर भी सेंसिटिव है अब आपको अगर अंदाजा हो कि बलूचिस्तान का जो कोल आ रहा है वो आपसे से पाँच साल पहले आधी कीमत पर था अब उसकी कीमत दुगनी हो गई है तो क्यों दुगनी हो गई है तो उसके उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को रिलेट करते हैं फिर छोटा सा से एक सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी पे हालांकि इलेक्ट्रिसिटी और वजूद खुद एक एनर्जी सोर्स है लेकिन वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स नहीं है प्राइमरी एनर्जी सोर्स वो ऑयल गैस एंड कोल लेकिन उसका समझना जरूरी है क्योंकि हमारे जिंदगी के लिए इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ें हैं जो आम आदमी की जिंदगी पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री भी है और उससे भी यकीनन असर पड़ता है लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो इलेक्ट्रिसिटी की पड़ती है तो उसको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में या बाहर कित कैसे आ, कैसे उसका प्राइस कंट्रोल कैसे होता है और फिर उसके बाद ये जो सप्लाई एंड डिमांड इकनॉमिक्स जो होती है इन सारी चीज़ों के लिए कि क्या मार्केट में कैसे कितना आया वो आपकी सप्लाई हुई और उसकी कितने लोगों ने उसको ख़रीदा वो आपकी डिमांड हुई इन सब का इस्तेमाल क्या है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है ना ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बहरहाल बहुत मेजर तीस चालीस फ़ीसद जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है ऑयल जो है वो अस्सी फ़ीसद ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब आपको कोई जो इंजन इंटरनल कम्बस्शन इंजन है उसको समझना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ फिजिक्स के ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल हैं उनको अगर आप समझ लेंगे तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी सिर्फ़ इसके लिए नहीं बल्कि और भी दूसरी चीज़ों के लिए तो मैं उसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा तो हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ये जो है आ, आ, जो इंजन है इंटरनल कम्बसन इंजन ये वाहद इंजन नहीं है एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन भी है जैसे इंजन जो पुराने वो होते थे ना रेलगाड़ी के इंजन वो एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन थे उनको भी देखेंगे क्योंकि उनकी अभी भी ज़रूरत है उनकी इंडस्ट्री के अंदर और उसके अलावा जो बाकी जो वो है सड़कों पे गाड़ियाँ और ट्रक और जितने भी चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे इनशाला और उसकी तवसत से फिर इसकी जरूरत देखेंगे कि ऑयल की ज़रूरत कितनी है और क्यों है और उसका अफेक्ट क्या पड़ता है आम आदमी की जिंदगी पर